जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आप अक्सर देख रहे होंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि अध्यापक के गुण, चाहे वो भौतिक विज्ञान में पूछा जाएगा भौतिक विज्ञान के अध्यापक का गुण, जीव विज्ञान में जीव विज्ञान के एक अच्छे अध्यापक का गुण, चाहे इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान या गणित, हर एक विषय में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि एक अच्छे अध्यापक के गुण या एक आदर्श अध्यापक के गुण लिखिए या बताइए। तो हर वीडियो, हर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट में। तो इस वीडियो में सबको मैं समराइज करके आपको क्वालिटी बता रहा हूँ कि व्हाट आर द गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। इट कैन बी फॉर एनी टीच सब्जेक्ट्स लाइक जीव विज्ञान, आई मीन बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, मैथ्स, फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स यू कैन राइट दिस क्वालिटी। क्या है वो क्वालिटी, क्या है गुण, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस क्वालिटी को, इस गुण को चार आधार पे आप तय कर सकते हैं। इन चार प्रकार में मैंने बांट दिया। कौन सा? पहले शैक्षिक गुण, दूसरा व्यवसायिक गुण, तीसरा व्यक्तिगत व्यक्तित्व संबंधी गुण, और चौथा दोस्तों संबंध आप स्थापित करने का गुण। आपको इतने चार भागों में डिवाइड नहीं करना है। अगर मान लीजिए सवाल एक नंबर, दो नंबर या फिर शॉर्ट आंसर में पूछता है, तो आपको इतने बड़े पैमाने पे डिवाइड नहीं करना है। अक्सर शॉर्ट आंसर ही पूछता है, छोटे एक दो नंबर में पूछता है। लेकिन अगर इन केस बड़े सेक्शन सी में पूछ दिया, तब आप ऐसे डिवाइड करके लिखिएगा। देखिए बड़े मजेदार तरीके से, पहले ये चार नाम याद रखिए। क्या है भाई? शैक्षिक गुण, दूसरा व्यवसायिक गुण, तीसरा व्यक्तित्व संबंधित गुण, चौथा संबंध स्थापित करने का गुण। तो ये सारी चीजें क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो शैक्षिक गुण का मतलब ये होता है इसकी योग्यता, कि जो शिक्षक बनने की मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, जैसे बीएड का होना या फिर ट्रेनिंग का होना। तो जो सबसे पहले जो मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, तो शैक्षिक गुण और योग्यता का मतलब एक शिक्षक के अंदर वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वो शैक्षिक गुण और योग्यता होनी चाहिए। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा व्यवसायिक गुण। व्यवसायिक का मतलब वो जो कार्य करने जा रहा है, वो जो शिक्षण करने जा रहा है, उससे संबंधित उसको कितना ज्ञान है, कितना गुण है। तो सबसे पहले विषय का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, किस विधि से शिक्षण करना है, और शिक्षक सहायक सामग्री का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसको बात करें तो सब्जेक्ट्स नॉलेज, और नॉलेज ऑफ अ टीचिंग मेथड, नॉलेज ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब मान लीजिए आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो जब अगर आपसे ये पूछे कि जीव विज्ञान अध्यापक के गुण, तो आप क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पे जीव विज्ञान ऐड करना पड़ेगा, जैसे जीव विज्ञान विषय का ज्ञान, जीव विज्ञान शिक्षण विधियों का ज्ञान, जीव विज्ञान शिक्षक सहायक सामग्रियों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, और जीव विज्ञान पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान। अगर आप भौतिक विज्ञान का है तो भौतिक विज्ञान ऐड कर लीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। गणित विषय का ज्ञान, गणित शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं व्यक्तित्व संबंधी। व्यक्तित्व संबंधी का क्या मतलब? जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उसकी क्या पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व संबंधित क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी वेशभूषा, उसका गेस्चर अच्छा होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। वेशभूषा का क्या मतलब? मतलब ठीक ठाक से हो, बाल बाल ठीक हो, कपड़े उपड़े ठीक ठाक हो, मतलब बिल्कुल टपोरे टाइप का ना हो, तो उस हिसाब से उसका गेस्चर और वेशभूषा होना चाहिए। स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, मतलब बीमार ना हो, ऐसा नहीं कि क्लास में बस खांसता रहो या फिर उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो अच्छा स्वस्थ होना चाहिए। चरित्रवान तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छा मैनर होना चाहिए, गुड मैनर होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धैर्यवान होना चाहिए, मतलब उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, बच्चों से पेशेंस से बात करें, प्यार से बात करें, बात बात पर गुस्सा ना हो, और थोड़ा बहुत हास्यास्पद हो, मतलब थोड़ा बहुत कॉमेडी भी आती हो, बिल्कुल खड़ूस ना हो। अच्छा वक्ता हो का क्या मतलब? एक गुड स्पीकर हो, बात करने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकर स्पीचेस देने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और एक अच्छा नेतृत्व करना आता हो, मतलब एक गुड मेंटर हो। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पर्सनल क्वालिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये तो सबके लिए सेम होगी, चाहे आपका जो भी विषय हो, ये सब की चीज़ें सेम होगी। अब नेक्स्ट है दोस्तों, संबंध स्थापित करने का गुण, टू मेक अ रिलेशन, ओके, द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशन। इसमें क्या हो, जो शिक्षक हो ना, वो एक अच्छा संबंध बनाने वाला होना चाहिए दूसरे विद्यार्थियों के साथ, और विषय के अध्यापकों के साथ, प्रधानाचार्य के साथ, और अभिभावक के साथ। तो उसका एक अच्छा रिलेशंस बिल्ड करने वाला हो, एक अच्छा संबंध बनाने वाला हो, विथ होम, विथ स्टूडेंट, अदर टीचर, प्रिंसिपल्स एंड पेरेंट्स। ठीक है,
तो ये कुछ क्वालिटीज हो गई। अब थोड़ा सा और आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो अध्यापक के शिक्षण का गुण में लिखिए कि अध्यापक को वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, वैज्ञानिक क्रियाकलाप यानी कि प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ वैज्ञानिक और तकनीकों का अध्ययन करने वाला और उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र के तो मानवीय गुणों का ज्ञान होना चाहिए, देश दुनिया समाज का ज्ञान होना चाहिए, और अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि उस अध्यापक को व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों संबंधित ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है आप देखेंगे यहाँ पे आपको 5 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे आपको 7 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिल गए। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 16-17 पॉइंट आराम से यहाँ से मिल गए और बाकी 5-6 पॉइंट आप खुद से बना के लिख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा तो नहीं लिखना है, मैं सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जाम्स टाइम जो भी याद आए बस लिख डालिएगा। ठीक है, जो भी याद आए व्यवसायिक संबंधित, व्यक्ति संबंधित, संबंध संबंधित, और शैक्षिक गुण जरूर लिखिएगा कि मिनिमम योग्यता होनी चाहिए उस शिक्षण कार्य के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो कमेंट बताइए कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।